एवरीवन, टोस्टी किचन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्ट्रो स्टाइल अंडा करी की रेसिपी। कम मेहनत में, कम सामान में होटल जैसी अंडा करी कैसे बनाई जाती है, इसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो जो भी सामान आप नॉर्मल करी को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम भी वही यूज़ करेंगे, बट होटल वाले ट्विस्ट के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। एकदम चिकन स्टाइल स्पाइसी अंडा करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के प्याज को मिक्सी में पीस लिया है और दूसरे बोल में मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर को मिक्सी में पीस लिया है। अब प्याज में मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ दो बड़ी इलायची पिसी हुई। कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने रख दिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। सो तेल में से अच्छी सी हीट आने लगी है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अब जब तक ये प्याज जो है वो मीडियम लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होती है, तब तक हम मसाला एक कटोरी में तैयार कर लेते हैं। सो मसाले में मैं ले रही हूँ 3 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इसमें पानी मिला के हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी से क्या होगा, मसाला जो है वो अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए थोड़ी देर में ये मसाला जो है बढ़िया से फूल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैंने 4 अंडे पहले से बॉईल कर लिए हैं, तो आपने फोक की हेल्प से इन्हें इस तरह से प्रिक कर लेना है। इससे क्या होगा, जब आप मसाले के साथ इसे डालेंगे तो मसाला इसमें अंदर तक बढ़िया से चला जाएगा। सो इस तरह से एग्स को भी हमने रेडी कर दिया है, मसाला भी तैयार हो गया है। अब एक बार प्याज को चेक कर लेते हैं। सो प्याज भी ऑलमोस्ट 50% भुन चुकी है, बस थोड़ी सी देर में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तब तक हमने इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है। सो प्याज जो है वो अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसकी पहचान क्या है, अब ये देखिए लो कढ़ाई की जो तली है उसमें ये चिपकना शुरू हो गई है। सो हमने जो मसाला रेडी किया है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। और जिससे कटोरी में जितना भी मसाला चिपका है वो भी सब निकल जाएगा। अब इसे इस तरह से चला दीजिए हल्के हाथों से और ऊपर से आपने इसमें ऐड कर देना है टोमेटो प्यूरी और इसको मिक्स कर दीजिए मसाले में। अब आपने थोड़ी देर इस मसाले को पकने देना है जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए और इसमें तेल ना छूट जाए। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें ऐड कर दीजिए बॉइल्ड एग्स। अब मसाले को अच्छे से इन एग्स को कवर कर दीजिए ताकि जो हमने इसमें फोक से प्रिकिंग की है उससे मसाला इसमें अच्छे से चला जाए। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे मसाले में इसी तरह से पकने दीजिए। अब 2 मिनट पकने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाला है। जैसे ही अच्छे से पक जाएगा लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में हम गैस का नॉब ऑफ कर देंगे। तो अंडा करी जो है वो पक के एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि धनिया का जो फ्लेवर है ना वो इस रेसिपी में एक अलग ही गजब का टेस्ट लेकर आता है। सो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं।
सो ये देखिए फ्रेंड्स, डिलीशियस रेस्ट्रा स्टाइल अंडा करी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग। सो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल टोस्टी किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।